वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल आश्वर मैं आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन प्रोबिशनरी ऑफिसर ऑब्लिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे थ्री फाइव वन सेवन दैट मीनस अप्रॉक्स थर्टी फाइव हंड्रेड वैकेंसीज हैं यहाँ पे आपको बता दें कि लिंक ये दोबारा रीओपन हुआ है फॉर अनदर टेन डेज़ तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से अगर लास्ट टाइम आप फिल नहीं कर पाए थे तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है दोबारा से इसको फ़िल करने का लिंक आज से ओपन हो चुका है तो चलिए इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाके एंटर करना है आई बी पी एस डॉट इन जैसे ही आप गूगल ब्राउज़र में आई पी एस डॉट इन को एंटर करेंगे आपके सामने खुल के आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक केयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सप्लीमेंट्री कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पी ओ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक्स सी आर पी ओ जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट डिफरें डेट्स हैं यहाँ पे ये डेट्स जो हैं आपकी एक्सटेंशन की क्लियरली मेंशन है ये दोबारा से लिंक ओपन हुआ है ट्वेंटी एथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को और क्लोज़र है रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की एलवेंथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है जिनका पहले अगर वो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जिनका पहले मिस हो गया है उनके पास एक दोबारा अपॉर्चुनिटी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑब्लिक द मैनेजमेंट ट्रेनिंग चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ये हमारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑब्लिक द मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन सी आर पी पी ओ एम टी फॉर वैकेंसीज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यहाँ पे आप जाके क्लियरली देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है मेन है एंड इंटरव्यू है ये इसका प्रोसेस है सिलेक्शन का पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स यहाँ पर जो हैं वैकेंसीज हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक यूको बैंक बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक तो यहाँ क्लियरली मैंशन है आप जो है नवंबर में डाउनलोड करेंगे कॉल लेटर्स आप जो है ये सारे नोटिफिकेशन समाओ थोड़े बहुत लिटिल बिट चेंज हो चुके हैं ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द डेट तो यहाँ ये पुराना नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन था लेकिन अब आप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंगली फॉलोअप करना है नेशनालिटी सेम जैसे हमेशा मैंशन होती है मेन्शन है एज जो है एज़ ऑन फर्स्ट एज टू थाउजेंड ट्वेंटी की मेंशन है आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम ट्वेंटी इयर्स एंड मैक्सिमम थर्टी इयर्स यहाँ पे रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फ़ाइव ईयर्स ओ के लिए थ्री ईयर्स और डिसेबल पर्सनस के लिए टेन ईयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ाइव ईयर्स इसके बाद बात की जाए तो मेनली एलिजिबिलिटी की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया दैट मींस ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी एरिया और आपके पास जो है यहाँ पे मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप रजिस्टर कर रहे हो ऑनलाइन दैट मीन्स अब जो लास्ट डेट है एलेवंथ ऑफ नवंबर उस दिन तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए और आपके पास ऑफिशियल जो है मार्कशीट होनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपनी परसेंटेज को मेंशन करते हैं तो परसेंटेज शुड बी प्रॉपर फुल परसेंटेज विदाउट राउंडिंग ऑफ तो इसके अंदर फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन भी है तो भी यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाएगा लेस देन सिक्सटी दैट मीन्स इट शुड बी फिफ्टी नाइन 54.99 है तो 54 ट्रीट किया जाएगा बट यहाँ परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है आप क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट हेयर बट यू हैव टू मेंशन प्रॉपर परसेंटेज विदाउट राउंडिंग ऑफ देयर आफ्टर हम चलते हैं इसके बाद मेजर मेजर पॉइंट्स पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी आप वहाँ से जाके इसको एक बारी गो थ्रू अच्छे से कर सकते हैं इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है इसकी जिसका नाम दिया गया है पेट ट्रेनिंग में भी अरेंज बाय द नोडल बैंक्स और पार्टिसिपेटिंग बैंक्स टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू द एस सी एस टी माइनॉरिटी कम्युनिटीज एट द सेंटर सर्टेन ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फॉर विश टू अवेल द प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुड फिल इन द रेलिवेंट कॉलम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग को ऑप्ट करना तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम है वहाँ पे आपको इसको फ़िल करना पड़ेगा दिस इज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है रीजनिंग एबिलिटी है और मीडियम होम एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी बहुत है यहाँ पर मेन एग्ज़ामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्री लिम एग्ज़ामिनेशन को तो आपको मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा और मेन एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूट जनरल इकोनमी बैंकिंग अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज डेटा अनालस एंड इंटरप्रिटेशन तो ये एग्ज़ैम जो है आपका अप्रॉक्स थ्री आयर्स का एग्ज़ैम है जिसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूडेड है एज़ वन ऑफ द पार्ट अगर आप रॉन्ग आंसर्स देते हैं तो यहाँ पे पेनल्टी है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर वन फोर्थ मार्क शुड बी विल बी डिडक्टेड तो पॉइंट टू फाइव जो है आपकी पेनल्टी है एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया है और उसके बाद कट ऑफ मार्क्स जो है आपके ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो है जज किए जाएंगे मार्क्स ऑपटेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग फर्स्ट आपको प्रीलिम क्लियर करना है प्रीलिम के बेसिस पे आपका ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा और मेन के बाद इंटरव्यू होगा और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो उसमें मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों के कैलकुलेट करके फाइनली आपका सिलेक्शन होगा अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर्स देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे उसका आपको एक प्रिंट आउट लेना है आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए आपके पास देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास इफ़ यू आर विलिंग द कास्ट देन कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए देन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करें ई डब्ल्यू एस के अकॉर्डिंगली तो वो होना चाहिए अगर आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू प्रोवाइड नहीं करा पाते देन आपको जो है इन एलिजिबल माना जाएगा दैट मीन्स आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे देन इंटरव्यू के लिए तो आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वैकेंसी बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पे अप्रॉक्स फोर थाउजेंड पोस्ट आर देयर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं आपको अप्लाई करने के टाइम पर यहाँ पर मैंशन है कि आपको फ़ोटो चाहिए सिग्नेचर लेफ़्ट थम इम्प्रेशन होना चाहिए यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है आपकी वो वन सेवेंटी फाइव है फॉर एस सी एस सी एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स की और एट हंड्रेड फिफ्टी है फॉर ऑल अदर्स की तो आपको आईबीपीएस की साइट पे जाना है क्लिक करना है अप्लाई करना है ऑनलाइन प्रोबेशन ऑफिसर के लिए क्लिक है फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपके पास अपलोड करने के लिए होना चाहिए फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन तो मॉड ऑफ़ पेमेंट जो ऑनलाइन मॉड ऑफ़ पेमेंट होगी जो आपको पे करना है आफ्टर सबमिटिंग जो है आप जो है एक बारी दोबारा चेक कर लेंगे और फाइनल सबमिशन के बाद जो है आप जो है दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते तो इसीलिए एक बारी जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो एक बारी चेक कर लीजिए कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट राइट नाउ तभी आप जो है प्रेस करेंगे फॉर द फाइनल सबमिशन थैंक यू सो मच फॉर टुडे बहुत जल्द आऊंगी एक और नई वैकेंसी लेके और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पे इंटरेस्टेड हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आपसे मिस हो सकता है आपको नोटिफिकेशन टाइम तक नहीं पहुँचेगा तो थैंक यू